गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है और दृष्टि हमारे रूम में आई हुई है अपने कपड़े को आयरन करने के लिए। और आज दृष्टि स्कूल जा रही है। देखिए अभी सो के उठी है दृष्टि। और अभी टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम हो रहा है अभी 6:33। मतलब ये कितनी बड़ी कुड़िया है आप समझ सकते हैं। 6:33 में उठ रहे हैं और सब तो 9 बजे उठता है। तुम और सब में नहीं हो बाबू। और देखिए एक उधर है जिसका भी फैशन चल रहा है। फैशन नहीं चल रहा, सिंदूर लगा रहे हैं और हम नहा चुके हैं। तो वही लाली पाउडर ही चलेगा, अभी लंबा चलने वाला है वो कार्यक्रम। नहीं चलेगा, जाओ छत जाइए ना, छत में कपड़ा काटाइए। बस हुआ सुबह, वो अभी सारे माम को बोली पकौड़ी बनाने के लिए। कल वाला बचा हुआ था ना, तो उठो, 6:30 बजे स्कूल नहीं जाना है, ड्रेस नहीं आयरन की है। कौन उठा रहा था? अच्छा नहीं लाया था बेचारी दृष्टि। अजीब छटपटा छटपटा के थे पूरा रात। हम सो गए, थोड़ा सा फोन देख के सो। हम उससे मांगे थे कि मामा मौसी जो जो मैसेज करते हैं देख करके हम सो जाते हैं, तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है सुबह तक। इतना रील भेजते हैं ये लोग गाइस। कौन भेजता है इतना रील? यही आदमी जो आदमी कैमरा पकड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा ही रील भेजता है। झूठ बात है, इसलिए हम बताए जब भी मौका मिलता है तो हम सबसे पहले नहीं लग कर देते। अब हमको नारियल और बिस्किट नहीं दिए। ए इसको नारियल वाले का बिस्किट दे तो तेरे रैपर रे कल से हमको बोल रही है। ओके फाइन हम दे देंगे। पता है सुबह सुबह खुद खा रहे थे गाइस और हम मांगे तो बोलते हैं अरे अभी नहीं खाएंगे ना, अभी ब्रश नहीं की है। उसके बाद फिर हम भूल गए, फिर शाम में बोले तो अभी नहीं ना खाएंगे, अभी तो खा के आइए। उस समय भी हम भूल गए। और दृष्टि यार बताइए स्कूल का आपका क्या चल रहा है? मेरे स्कूल में तो फॉग चल रहा है। हाँ असेंबली चल रहा है। फॉग तो खिड़की के बाहर चल रहा है। देखिए मेरे घर के पीछे में काम चल रहा है यहाँ। ठंडा ऐसे आ गया ना, एकदम ठंडा। ये मेरे घर के पीछे का सीन। उठाइए चलिए। ये देखिए मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा लग रहा है। देखो कौवा उड़ते आ रहा, देखो दूर वहां का एक ये बिग कौवा है। हमको तो चील लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौवा या चील। कौवा तो तुम हो, वो तो चील था। ये देखिए हमारे घर के पीछे का व्यू है। ये यहाँ पे घर बन रहा है, पता नहीं कौन लिया है नहीं लिया है, लेकिन घर बन रहा है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे दो कबूतर, देखिए एक इधर एक इधर, दोनों उड़ गई छुमंतर हो गई। मॉर्निंग व्यू, मेरे छत का मॉर्निंग व्यू। अभी छत पे बहुत सारा कचड़ा है जो कि साफ करना है दिवाली में। ये देखिए छत पे काम हुआ था तो यहाँ पे छोटा वाला छर रही है। इधर देखिए क्या है, कचड़ा भरा पड़ा है। घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है केवल। इधर देखिए उधर सबका घर बन रहा है। यहाँ देखिए सामने ये घर बन रहा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी घर है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए अभी छत पे पूजा किए हैं। ये तुलसी का पौधा है जिसमें हम लोग जल डालते हैं। देखिए ये देखिए सूरज बादल किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। सो फाइनली गाइस हम लोग स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और अब हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल जिस एरिया में हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, बारिक कॉलोनी कहते हैं। और
यहाँ पे बहुत बारीकी से जाना रहता है। बाकी का सोनी मैम बताएंगी। सोनी मैम नहीं, यहाँ पे इसको कहते हैं जामिया नगर है। ओ, आगे है बारीक कॉलोनी। हाँ, बारीक कॉलोनी आगे है, जामिया नगर है। और ये पूरा मैदान है जिसमें सब लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। सुबह सुबह इधर सभी लोग मतलब मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। अंदर का जगह बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ का रोड खराब है। रास्ता देखिए कितना खराब है। ये है यहाँ का रास्ते का कंडीशन। और ये देखिए हलवा। ठीक है गाइज, अब हम लोग बाकी का पहुँच के मिलते हैं। स्कूल पहुँच के कंटिन्यू करने के बाद अगर स्कूल पे ब्लॉग बना पाए तो ठीक है, अदरवाइज घर पे आके ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वापस घर। खाना वाना भी खा लिया दोपहर का। अब सोनी मैम जा रही हैं छत पे कपड़ा लाने के लिए। और देखिए कैसा चेहरा इसका बनाया हुआ है इन्होंने। थक गए हैं, हाथ पैर तो दर्द हो रहा है। हाथ पैर इनका दर्द दे रहा है और मेरे तो हाथ पैर ही नहीं है। सोनी मैम कहाँ जा रही हैं आप? छत में जा रहे हैं। छत में हम सुबह कपड़े डाल लेते सूखने के लिए और अभी उठाए नहीं है। वाओ, तो हम जा रहे हैं उठाने। उसके बाद फिर हमको बर्तन धोना है। स्कूल से आने के बाद हम थोड़ा थक गए थे तो थोड़ा आराम कर रहे थे। पता नहीं मेरा कल से बहुत बॉडी दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, यस, ये इंसान कितना दर्द में है ये इंसान। हाँ, देखिए मेरा छक्का मारा। देखिए गाइस चिपकू भाग गया। ये है हमारा छत और ये उठा रहे हैं छत पे कपड़ा। ये है हमारा छत और सोनी मैम कपड़ों को उठाती हुई। उस साइड कितना सुंदर गांव है। ये देखिए गाइस जूम लेवल। देखिए वो गाय इतना आराम से घूम रहा है। की खिड़की से झांकना अच्छी बात है। देखिए पता नहीं कौन सा सनसेट, बहुत प्यारा व्यू है। बहुत प्यारा व्यू दिखा देते हैं हम। देखिए ये है सनसेट। देखिए गाइस सोनी मैम ने कपड़ों को उठा लिया है। अब सोनी मैम देखिए, ये सोनी मैम ने कपड़ों को उठा लिया है। अब हम लोग वापस चलेंगे नीचे। हाँ अभी जाएंगे, अभी हम बर्तन धोना हमको तो जाने थोड़ा सा देख लेते इधर उधर। सोनी मैम मार्केट जाइएगा क्या? किस लिए? घूमने उमने। आपको पहले से नहीं बोला जा रहा था? पहले से बोलते तब नहीं घूमेंगे सोनी मैम। देखिए सोनी मैम को गुस्सा आई हुई है सोनी मैम लगता है। नहीं तभी से बोलते तो हम जाते ना। अब हम लोग जाएंगे नीचे। नीचे जाएंगे स्वामी सर, उसके बाद ये कपड़ा जो है इतना इतना इसको हम फोल्ड करने में मदद करेंगे और उसके बाद हम लोग ये वीडियो आज का यहीं तक रखेंगे क्योंकि अब बाकी का वीडियो कल बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि इसको एडिट करने में भी टाइम लगता है गाइस। और बच्चों का सिलेबस बनाना है हम दोनों को। स्कूल में हम लोगों को बोला गया है सिलेबस बनाने के लिए सेकेंड टर्म का, मीन्स फाइनल का। तो सिलेबस भी बनाना है, वीडियोस को भी एडिट करना है, खाना भी बनाएंगे सोनी मैम, बर्तन धोना है हमको फिलहाल। और उसके बाद फिर रात का खाना बनाएंगे। देखते हैं अगर कहीं जा पाए तो आप लोगों को अपने ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे। अभी फिलहाल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बाकी लोगों को भी फॉरवर्ड करवाइए। हर तीन आदमियों को पकड़िए और बोलिए कि सब्सक्राइब करें, उन लोगों को बोलिए कि तीन और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है बाय, हमें सपोर्ट कीजिए। हाँ हमें सपोर्ट कीजिए और इसको भी सपोर्ट कीजिए, है ना। हाँ अलग अलग है। हाँ
अलग अलग चैनल नहीं है, एक ही चैनल है, तो जब इसको 3 जन सपोर्ट करेगा हमको तो 6 जन हुआ ना। ठीक है, चलिए बाय।